मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। आखिरकार आज छठ महापर्व का खरना जो है। सर से पांव तक फौजी का पहनावा पहने हुए, हाथों में रंग बिरंगी थैलियां टांगे हुए सैनिक सुब्रमण्यम अपने गांव सुमेरनपुर की सीमा में घुसते हुए घर की ओर अग्रसर होता है, जहां उसकी माँ केतकी छठ पूजा से जुड़ी रीत खरना करते हुए फलाहार खाते हुए देखकर उसके पांव छूकर कहता है, प्रणाम अम्मा, ये देखो मैं आपके बाबूजी और फाल्गुनी के लिए अब की बार छठ पूजा पर कितने सारे उपहार लाया हूँ। ये देखो मैं आपके लिए पीले रंग की साड़ी लाया हूँ, कल आप छठ पूजा के पहले अर्घ पर यही पहनना। सुब्रमण्यम के लाख कहने के बावजूद भी केतकी कोई जवाब नहीं देती। ये क्या बात हुई अम्मा, कब से बोले जा रहा हूं और आप कुछ कह ही नहीं रही। इतना बोलकर सुब्रमण्यम दूर खड़ी अपनी पत्नी फाल्गुनी की ओर बढ़ता है। फाल्गुनी, माँ को कहो खफा ना हो, माना कि पिछले छठ पूजा में घर ना आ सका, मगर एक बेटे और पति से पहले एक फौजी हूं, जिसे हर हाल में पहले फर्ज को चुनना लाजमी है। सुब्रमण्यम के लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी फाल्गुनी कोई जवाब नहीं देती। यह सोचकर सुब्रमण्यम जैसे उसे छूता है उसका हाथ आर पार हो जाता है, क्योंकि आखिरकार सुब्रमण्यम के भेष में ये एक भूतिया फौजी जो घर लौट कर आया था। ना ना ना, नहीं ये कैसे मुमकिन है, मैं भूत? भूत सीधे अपने कमरे की ओर भागता है, जहां शीशे में उसका असली अक्ष उसे दिखाई देता है। उसका सारा शरीर खून से लहूलुहान था, उसकी लाल स्याह आंखें बिगड़ी हुई बुरी दशा में भूत का जिक्र बयां कर रही थी। इसके बाद भूत जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आह मैं नहीं मर सकता हूं, मगर मैं अपने भूतिया बेश को भी झुटला नहीं सकता, शायद सरहद पर मेरी जान चली गई थी। यह बोलते हुए भूत दो दिन पीछे घटी बात याद करने लगता है, जहां सरहद की सीमा पर तैनात सैकड़ों फौजी आपस में बातें कर रहे थे। तभी फौजी जगत कहता है, अरे ओ शब्बू, गांव से तेरी माँ का फोन आया है, जल्दी से आ जा। क्या सचमुच? ला दे। हेलो प्रणाम अम्मा, कैसी हो? जुगु जुगु जी बिटुआ, छठ पर्व पर घर आवे के बाकी ना, या अब की बरस भी पिछले साल जैसन छुट्टी ना ही मिली। अरे नहीं अम्मा, छठ मैया की दया दृष्टि से सभी फौजियों की छुट्टी मुकम्मल हो गई है, मैं छठ पूजा पर जरूर आऊंगा, तुम्हारे लिए पियरी साड़ी भी लाऊंगा। हाँ ठीक है, ले अपन मेयरिया से बतिया। कैसी हो फाल्गुनी? अजी आपके बगैर कैसे होंगी, पूरे साल भर से आपकी सूरत नहीं देखी है। देखो जी, पिछले बरस तो आप छठ पर्व पर नहीं आए थे, मगर अब की बार तुमको आना ही पड़ेगा, वरना छठ का दौरा माथे पर उठाकर घाट तक कौन लेकर जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा मैं रखता हूँ। इसी के साथ फोन कट जाता है। सभी फौजी अपने घर लौटने की तैयारी में जुटे हुए थे। सांझ का अंधेरा डूबते हुए देखकर कुछ घुसपैठियों का दल सरहद पर गोलीबारी शुरू करते हैं। तभी ब्रिगेडियर विक्रम बत्रा बोलता है, जवान, सरहद पर कुछ क्रूर काफिलों ने धावा बोल दिया है, अपनी अपनी पोजीशन ले ले। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। देखते ही देखते दोनों दलों के बीच भयावह जंग छिड़ जाती है। एक एक करके भारत के सैनिक ढेर होने लगते हैं। यह देखकर बख्तियार बोलता है, साथियों कैसे भारत के लाल पीले होते जा रहे हैं, सारे के सारे फौजी एकदम फुसकी बम हैं। अरे ओ छुप कर वार करने वाले भेड़िए, दम है तो बाहर आ। अपने सैनिक साथियों को मरता देखकर उसकी आंखों में खून सवार हो जाता है, जिसके बाद सुब्रमण्यम विरोधी दलों को अपनी गोली से भून देता है, मगर बख्तियार की सभी गोलियां उसके सीने को तार बघार देती हैं। सरहद की जंग में फौजी तो फतेह हासिल कर लेते हैं, मगर वह जीवन की जंग हार जाता है। अचानक फौजी के शव से एक भूत बाहर आता है, किसी तरह मुझे छठ पर्व से पहले जल्दी घर पहुंचना होगा। भूत अपना सामान उठाकर बिना किसी टिकट के ट्रेन में चढ़कर घर चला आता है, जहां उसे सच्चाई का पता चलता है। इसलिए ट्रेन में किसी ने टिकट की पूछताछ भी नहीं की। हे छठ मैया, मेरी मदद कर, ताकि छठ पूजा पर मैं अपने परिवार की मदद करूं। देखते ही देखते रात गुजर जाती है और छठ पूजा का पहला दिन आता है, जिसके साथ सास बहू सवेरे उठती हैं तो घर एकदम चकाचक देखकर दंग होते हुए कहती हैं,
का बात है बहुरिया, बड़ा भोर सवेर आंगन घर बाहर कर द्वार धो दिया। अम्मा जी मैं तो अभी जागी हूँ। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर सिकन पड़ जाती है। देखते ही देखते सांझ हो जाती है और पूरा गांव गढ़ अपने परिवार के साथ छठ घाट की ओर अग्रसर होता है। तभी केतकी कहती है, जाने हमार बिटवा कहाँ रहे है, अब पिछले बरस तो उनके बाबूजी दौरा उठाए रहे, मगर ये बरस उनका कंधा साथ नहीं देत है। काश कि अभी फल फलहार पूरी पकवान से भरा दौरा छठी घाट कैसन जाए। यह सुनकर भूत खून के आंसू रोते हुए बोलता है, हे छठ मैया, मुझे शक्ति दो कि मैं आपके भोग का यह टोकरा उठा पाऊं। ऐसा कहकर भूत छठ पूजा की टोकरी को अपने माथे पर उठा लेता है। टोकरी को हवा में उठता देख सास बहू का चेहरा पीला पड़ जाता है। हे छठी मैया, ये क्या, बहू मेरा तो जिया बैठा जा रहा है, कहीं सुब्रमण्यु को कुछ तो। एकाएक भूतिया देशभक्त उनकी आंखों के सामने आ खड़ा होता है, जिसे देखकर केतकी की आंखों से आंसू छलक पड़ता है। मेरे लाल ये क्या हाल कर लिया तूने। माँ मैं भूत बन गया हूँ, मेरी इच्छा है कि आखिरी छठ पर्व मैं आपके संग मनाऊं, इसलिए आप दोनों सास बहू मुझे रोककर विदाई नहीं देंगी, आपको इस सैनिक की सौगंध। यह सुनकर सास बहू अपने आंसू पोंछ लेती हैं और सभी छठ घाट पर पहुंचते हैं। दो दिन भूत अपने माथे पर टोकरी उठाता है और सभी व्रती औरतों के पांव छूकर उन्हें प्रणाम करता है और तालाब में खड़ी औरतों के अंजलि में दूध का अर्घ्य अर्पण करता है। आखिरकार छठ पूजा के दूसरे दिन सूरज की किरण जैसे फूटती है, भूत कहता है, मेरी अधूरी इच्छा पूरी हुई, अब मुझे जाना होगा। माँ फाल्गुनी माँ का ख्याल रखना। इसी के साथ भूत सूर्य के किरणों में जा मिलता है। मगर गांव गढ़ के कथानुसार छठ पूजा के दिन वह भूत छठ घाट पर घूमता नजर आता है। रात का समय था, चारों तरफ घना कोहरा अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच एक बस स्टॉप। उस बस स्टॉप पर काफी धूल मिट्टी जमी हुई थी। तभी अचानक वहाँ पर मीना और मोहन दोनों ही अपने घर से भागकर आ जाते हैं। वहाँ पर आकर वह दोनों बस का इंतजार कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। मीना को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसके पीछे से किसी तरह का साया है। जैसे ही मीना पीछे पलटती है वैसे ही उसको एक काला साया दिखाई पड़ता है। वह काला साया उस बस स्टॉप के स्टैंड पर चिपका हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। यह देख मीना घबराते हुए मोहन से कहती है, मोहन तुमने वो काला साया देखा? कैसा साया मीना, मैंने कोई साया नहीं देखा। था, काला साया था, मैंने अपनी आँखों से देखा है। उसकी बात सुनकर मोहन अपनी आँखों को लाल कर लेता है और अपने पैर को उल्टा करके उसे भयंकर आवाज में कहता है, कौन सा काला साया, वो काला साया नहीं है, वो मैं हूँ मीना, मैं। उसकी यह बात सुनकर मीना के होश हवास उड़ जाते हैं, जिसके बाद मीना अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है। तभी मोहन अपने दोनों हाथ लंबे करके मीना को पकड़ लेता है, जिसके बाद मोहन मीना को उल्टा लटका देता है और अपने दूसरे हाथ से मीना की गर्दन को तोड़ देता है। अब मोहन उसके बचे हुए शरीर को नोचने लगता है और नोच नोच कर मीना के शरीर को खाने लगता है और अपनी गर्दन घुमाकर हंसते हुए कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने प्यार का बदला लेकर रहूंगा, जिस तरह से मुझे हर एक चीज के लिए तरसाया गया ठीक उसी तरह मैं यहाँ के हर इंसान को मार डालूंगा जिसने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया था। इस तरह मोहन हंसते हुए जानवरों की तरह बस स्टॉप के बगल वाले एक पेड़ पर घुटने के बल छिपकली के जैसे चढ़ जाता है और इस तरह सुबह हो जाती है। उस बस स्टॉप पर ना तो कोई बस रुकती है और ना ही कोई इंसान, लेकिन उस सुबह एक लड़की की इतनी भयानक लाश देख वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसी भीड़ में एक इंसान पुलिस को फोन लगाता है, जिसके बाद साहिबा नगर का SP अपनी टीम के साथ उस बस स्टॉप पर आ जाता है और उस लड़की की इतनी भयानक मौत देख SP की भी रूह कांप जाती है। SP भी अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है और ऐसी एक बार फिर रात हो जाती है और वहाँ पर एक बार फिर एक लड़का फोन पर बात करते हुए जा रहा था, तभी उसे बस स्टॉप पर किसी की रोने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वह लड़का अपने कानों से फोन हटाता है और जब पीछे मुड़ता है तो उसको भी एक काला साया दिखाई देता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वह उस साये के पीछे भागता है। लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता था कि उसके साथ मजाक नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल चल रहा है। इस तरह जैसे जैसे वो बस स्टॉप पर पहुंचता है वैसे ही उसके सामने काला साया आ जाता है और वह उससे कहता है,
अब तुम भी नहीं बचोगे। जिस तरह से मैंने मीना को मारा, ठीक उसी तरह से अब तुझे भी मारूंगा। यह सुनते ही उस लड़के की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और भागते हुए वह बस स्टॉप से दूर चला जाता है। लेकिन साया उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता और इसलिए वह साया उसके पैरों को पकड़कर उसे घसीटते हुए बस स्टॉप पर ले आता है और वह साया उस लड़के की सीढ़ी पर बैठ जाता है, जिसके बाद वह साया उसकी गर्दन काट देता है। उसकी गर्दन कटने की वजह से उसका सर और उसका धड़ दोनों अलग हो जाता है और एक बार वह साया वहां से गायब हो जाता है। ऐसी अब रोज किसी न किसी की लाश दिखाई पड़ रही थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर हर रात उस बस स्टॉप पर इंसान को एक जैसी मौत कौन दे रहा है। यह सब देख एसपी को कुछ समझ नहीं आता, वह अपना ट्रांसफर कहीं और ले लेता है और एसपी के भेष में उस गाँव में जो नया एसपी आता है उसको देख वह साया बौखला जाता है। और रात के समय अब मीनाक्षी, जो की तंत्र विद्याओं की शिक्षा ग्रहण कर रही थी, वह उस बस स्टॉप पर आती है और उसे भी ठीक उसी तरह साया दिखाई देता है जैसे और लोगों को दिखाई देता है। उस साय को देख मीनाक्षी उस साय से पूछती है, कौन है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ, कौन है यहाँ? तेरी मौत। तू मुझे मारेगा? हाँ तू मुझे मारेगा? अरे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो तू आ मेरे सामने आ। उसकी आवाज सुनकर वह काला साया उसके सामने आ जाता है और वह साया उससे कहता है, ले आ गया मैं, आ गया तेरे सामने। अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? तूने एक आत्मा को पुकार लगाई है, अब उस आत्मा से तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये तेरी गलत फहमी है कि तू मुझे खत्म कर पाएगा। और तो और, तू अपने असली भेष में क्यों नहीं आया? क्यों तूने अपना काला साया ले रखा है? अरे हिम्मत है तो अपने असली चेहरे में आकर मेरे से बात कर। उसकी आवाज सुनकर वह काला साया एक फौजी के भेष में सामने आ जाता है। उस फौजी को देख मीनाक्षी थोड़ा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, तुम तो देखने में एक फौजी लग रहे हो। एक फौजी होकर तो अपने देशवासियों को मार रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरे देशवासियों ने मुझे ही मौत के घाट उतार दिया था। पर वो कैसे? आखिर तुम्हें किसने मारा? आज से कुछ साल पहले की बात है, ये जो नया एसपी अभी आया है, उसकी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी उसकी बेटी से बहुत प्यार था। वह पहले कोई एसपी नहीं बल्कि एक मामूली कांस्टेबल था और मैं एक फौजी, लेकिन फिर भी उसने मेरे प्यार को अपनाया नहीं। मेरी प्रेमिका सुहाना से उसने मुझसे कॉल करवाया और इस बस स्टॉप पर बुलवाया। रात के समय सुहाना मुझसे मिलने आई, लेकिन सुहाना अकेली नहीं थी, उसके पीछे ये एसपी भी था। एसपी ने मुझे बेरहमी से मार दिया। सुहाना ने भी मुझे खत्म होते हुए देखा था, इसलिए सुहाना ने भी वही आत्महत्या कर ली। हमारा प्यार पूरा नहीं हो सका, इसलिए मैं हर उस इंसान को मार दूंगा जो प्यार के खिलाफ है। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तुम बेकसूर लोगों को मार रहे हो। अरे तुम्हें उनसे बदला लेना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुम बेकसूर लोगों को मार रहे हो, ये तो गलत बात है। नहीं, मैं बेकसूर लोगों को नहीं मार रहा। मैंने आज तक जितने को भी मारा है, मैंने सिर्फ उन्हें ही मारा है जिन्होंने मेरे और मेरे प्यार को मारा था। उस दिन जब वो मुझे मारने आए थे, तब 3 या 4 लोग ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैंने हर उस इंसान को मार दिया जो मेरे प्यार का गुनाहगार है। अगर कोई बच रहा है तो वह तुम्हारा एसपी है, इसलिए मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक उस एसपी को ना मार दूं। मीनाक्षी और सिपाही आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर वह एसपी आ जाता है। वह एसपी को देख वह भूतिया सिपाही गुस्से में बौखला जाता है और उसको एक भयंकर मौत दे देता है। और अब उस भूतिया सिपाही का साया उस बस स्टॉप से हट गया था। अब उस बस स्टॉप पर ना तो किसी की मौत हुई और ना किसी की लाश सामने आई।